अमित कलेक्शन जीन्स शर्ट टी शर्ट ट्राउजर कैफ्री बेल्ट चश्मा घड़ी अंडर गारमेंट्स अमित कलेक्शन स्मार्ट शॉपिंग मॉल लिंक रोड सागर। देश और प्रदेश अभी कोरोना की दूसरी लहर से उभरा भी नहीं है कि एमपी के अशोक नगर से घोड़े में बेहद खतरनाक बीमारी पाए जाने की पुष्टि की गई। बीमारी का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि तत्काल ही घोड़े को इंजेक्शन देकर मारना पड़ा और फिर गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। बता दें कि घोड़े की नाक बहने और चमड़ी पर धब्बे आने के बाद 10 जून को पशु विभाग ने घोड़े के सैंपल लेकर भोपाल भेजे थे। घोड़ा ग्लैंडर पॉजिटिव पाया गया, फिर इसका सैंपल राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार भेजा गया, जहां फिर दोबारा इसके ग्लैंडर पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। ये रोग घोड़ों से गुड़ों में और घोड़ों के जरिए इंसानों में फैलता है। इसी को देखते हुए प्रशासन को घोड़े को इंजेक्शन देकर मारना पड़ा। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि 2 महीने पहले रफीक खान नामक व्यक्ति ग्वालियर से इस घोड़े को लाए थे। घोड़े की नाक बहने और चमड़ी पर धब्बे आने की शिकायत पर सैंपल लिया गया था। बट ह्यूमंस में फीवर यानी बुखार आना, सिर दर्द होना, कपकपी होना और बॉडी में किसी भी जगह पस बन जाना, साथ साथ इवन हड्डियों में भी पस बन जाता है जो डेंजरस होता है। इवन लोगों का जो ग्लैंडर्स पे काम कर चुके हैं रिसर्च लैब्स में, उनके हाथ तक काटने पड़े। तो इस रोग को यदि एनिमल से ह्यूमन में बचाना है तो हमको एक ही मेथड है, इसको मारना है, इस घोड़े को जिसमें ग्लैंडर सस्पेक्टेड हुआ है। कितना टाइम लेता है मैम ये फैलने में? ये कांटेक्ट से होता है, जो यदि इस घोड़े के कांटेक्ट में दूसरे घोड़े आएंगे वो भी उसके पस के सिक्रीशन से, नेजल सिक्रीशन यानी कि नाक के डिस्चार्ज से, तो उनको केवल कॉन्टैक्ट से होगा। तो अब ये इसको खत्म करने के बाद किस तरीके के प्रिकॉशन उस एरिया में जहाँ पे ये रहता था या जिन लोगों के टच में रहा, उन लोगों के भी क्या कुछ सैंपलिंग कराए जाएंगे? हाँ, जो एरिया है उस एरिया को पूरा डिसइंफेक्ट करा जाएगा। फिर इसके बाद बाकी जो घोड़े हैं उनको सेग्रीगेट पहले कर दिया गया था, स्टिल जो रिमेनिंग इनके पास जो घोड़े हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी, फिर से सैंपल भेजा जाएगा हिसार लेबोरेटरी में इसकी जांच के लिए। और जो इंसान इसके कांटेक्ट में, उसको बोल दिया गया था कि आप इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें, स्टिल उनका सैंपल भी लिया जाएगा हॉस्पिटल के द्वारा, तो वो भी जांच की जाएगी, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी और कितने इस तरह के केस प्रदेश में या देश में होंगे? इस वक्त तो पहली बार अशोकनगर में ये रिपोर्ट किया गया है, बाकी उससे पहले नरसिंहगढ़ में रिपोर्ट हुआ था। जैसे जैसे रिपोर्टिंग होती जाएगी हम लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। साल में कितने जिले के अन्य पशुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई? जितने भी इतने 25 किलोमीटर के एरिया में, अभी 10 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर के रेडियस में, डायमीटर उसमें रेडियस में जितने भी घोड़े होंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। आपके यहाँ पशु गणना हो चुकी है? ग्लैंडर रोग की पुष्टि हुई थी, उसमें ग्लैंडर प्रिवेंशन एंड इरिगेशन गाइडलाइन 2019 के अनुसार उसको डिस्पोज करना था, उसको किलिंग करके डिस्पोज करना था, वही कार्रवाई भी की गई है। सर किस तरह का रोग था और ये किन लोगों में फैलने का इसका खतरा? ग्लैंडर एक जेनेटिक रोग है, और जेनेटिक रोग का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो पशुओं में आता है और आदमी में फैलने का उसका चांस रहता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है जिसको बोलते हैं ग्लैंडर एक्ट, उसमें पॉजिटिव केस आने के बाद, एनिमल में पॉजिटिव पुष्टि होने के बाद उसमें एक ही एक्शन रहता है कलिंग करने का, वही कलिंग जो है आज दिनांक को जो किया गया है। सर कब इसका सैंपलिंग किया गया था? इसका सैंपलिंग इसी महीने किया गया था 10 तारीख को। तो 10 तारीख को सैंपलिंग करके 11 तारीख को हमने जो है DI लैब भोपाल भेज दिया था। भोपाल से जो है वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार गया था, हिसार से कल ही रिपोर्ट मिली है। कल रिपोर्ट मिलने के बाद हमने प्रशासन को टाइम पर सूचना दी और प्रशासन द्वारा सहयोग के द्वारा आज जो है इसको डिस्पोज कर दिया गया। सर ये अब जो जिस जगह पे ये रहता था उस जगह के और भी जानवरों की या इंसानों की जांच की जाएगी क्या, इतने दिन की रिपोर्ट आने में लगे? इस जो है प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार जिनके पास जो और जैसे ये हमें सस्पेक्टेड हुआ था तो 10 तारीख को हमने उनको टाइम से नोटिस दे दिया था कि इस एनिमल को सेग्रीगेट कर दें, अलग से रख दें और इसको सेल ना करें। तो उन्होंने क्या इसको अलग से आइसोलेट रखा हुआ था, उसके बाद फिर भी जो है एक बार देख करके बाकी जो घोड़े हैं उनका भी सैंपलिंग कर लिया जाएगा। तो ये इस बीमारी से कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जो इंसानों में फैलते हैं और क्या होता है उसका? अच्छा, वो डॉक्टर साथ ही बताएंगे। मामला ये है कि एक घोड़े को संक्रामक रोग हो गया था, तो उसकी जो रोग हुआ था तो उसका सीरम लेके उसकी जांच हेतु भेजा गया था बाहर,
तो जब उसकी कल रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि उनको ऐसा रोग हो गया है जिससे तत्काल उनको दूसरे फैलने से रोकने के लिए उसको मारकर दफनाया जाना आवश्यक है। इस बारे में कल कलेक्टर महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि घोड़े को एक दिवस के भीतर नियमानुसार मारकर दफनाया जाए। वो आदेश के पालन में आज वेटनरी टीम के द्वारा घोड़े को मारकर उसको नगर पालिका की टीम की सहायता से दफनाया गया है। सर, ये कौन सा रोग था और ये क्या इंसानों में भी फैलने का खतरा था इसका? अब ये इसके बारे में वेटनरी वाले बता पाएंगे। अशोकनगर से राहुल कुमार जैन, सागर टीवी न्यूज। जो आए एक बार वो आए बार बार, अमित कलेक्शन एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। फैंसी जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, कैफरी, बेल्ट, चश्मा, घड़ी, अंडर गारमेंट्स, सभी प्रकार के कपड़ों की अनुपम श्रृंखला। हमारा पता है अमित कलेक्शन, स्मार्ट शॉपिंग मॉल, लिंक रोड, बाहुबली कॉलोनी, सागर। हमारा नंबर है 8889022774, 9302314729।